गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास नाइन्थ बी हाइप का लेसन फर्स्ट द फन दे हैड के सेक्शन फोर को। इसके पहले हमने सेक्शन वन टू थ्री को कवर किया था। सेक्शन फोर जो लॉन्ग टाइप है, इसके तीन क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन फोर का, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मैगी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। ठीक है, तो स्टोरी में, कहानी में मैगी और टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे और जो स्कूल रूम था उसके मुख्य विशेषताएं क्या थी उसको बताना है। लॉन्ग टाइप है तो आंसर है मैगी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मैगी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स थे, है ना। दे हैड अ लार्ज ब्लैक स्क्रीन, उनकी एक बड़ी सी काली स्क्रीन थी, ऑन विच जिस पर ऑल लेसन्स वर शोन एंड आस्क एंड क्वेश्चन वर आस्किंग। ठीक है ना, जिसपे सारे पाठ दिखाई देते थे और प्रश्नों को पूछा जाता था। दे हैड अ स्लॉट इन विच मैगी एंड टॉमी हैड टू पुट देयर होमवर्क। उसमें एक स्लॉट होता था, एक खांचा होता था, इसमें मैगी और टॉमी को अपने अपने होमवर्क रखने पड़ते थे, होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन अ पंच कोड, उनको अपने उत्तर जो थे वो एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड देयर मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो बिना देर किए उनके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था। देयर स्कूल्स वर, अब ये तो था मैकेनिकल टीचर की फीचर्स, आगे जो स्कूल्स के हैं। The schools, उनके जो स्कूल थे वर इन देयर होम सेल्फ, उनके घरों में ही थे। एंड दे डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स, और उनके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे, सहपाठी नहीं थे। दे हैड अ रेगुलर आवर्स एंड डेज फॉर देयर स्कूल्स। ठीक है, उनके जो दिन थे और घंटे थे वो स्कूल के लिए नियमित थे। एंड लर्न ज्योग्राफी मैथ एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक ना, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट सीखा करते थे, ज्योग्राफी मैथ और हिस्ट्री को पढ़ते थे। देयर मैकेनिकल टीचर्स ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, जो उनका मैकेनिकल टीचर था वो प्रत्येक दिन एक ही समय पे हमेशा ऑन हो जाता था, बजाय सैटरडे एंड संडे, केवल संडे और सैटरडे और संडे को छोड़ के। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाई डिड मैगी हेट स्कूल, और इसमें ऐड है व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। वह अपने स्कूल से नफरत क्यों करती थी, और साथ में उसने पूछा कि जो पुराने दिनों के स्कूल थे वो मजेदार होते थे क्यों। तो इसका आंसर है मैगी हेटेड हर स्कूल बिकॉज सी हैड अ मैकेनिकल टीचर इन हर स्कूल। मैगी को अपने स्कूल से नफरत थी क्योंकि उसके स्कूल में एक मैकेनिकल टीचर था। सी वाज फोर्स्ड टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होमवर्क। उसे क्या करना पड़ता था, एक अकेले कमरे में बैठ के अपने होमवर्क को पूरा करना पड़ता था। बट लेकिन द पार्ट दैट मैगी हेट मोस्ट, लेकिन उस मैकेनिकल टीचर का वह पार्ट जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो था अ स्लॉट, एक खांचा, वेयर सी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहां उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। सी थॉट, वह सोचती थी या उसे लगता था द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। ठीक है ना, कि जो पुराने दिनों के स्कूल थे वो बड़े मजेदार थे क्यों, क्योंकि द स्टूडेंट्स
used to go and sit together in classroom, क्योंकि सारे students थे वो एक साथ स्कूल जाते थे और एक कक्षा में बैठते थे, and they enjoyed, वो आनंद लेते थे, laugh, हंसते थे, and shouted, और चिल्लाते थे in the school yard, स्कूल के आंगन में. ये था हमारा question number 2. next जो है देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका. पूछता है, डू यू एग्री विद मैगी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी. कि मैगी, तुझे लगता है कि जो आज के स्कूल हैं वो ज्यादा मजेदार हैं पहले के स्कूल की अपेक्षा, या जो कहानी में स्कूल दिए हैं उनकी अपेक्षा? गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो इसके लिए, इस कारण के लिए आप क्या कीजिए, अपने आंसर के लिए एक कारण दीजिए. तो उसका आंसर है, आंसर है यस, हाँ, आई एग्री विद हर, मैं उससे सहमत हूं. किससे? मैगी से. बिकॉज, क्योंकि देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट की टुडेज स्कूल्स आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी. कि आजकल के जो स्कूल्स हैं वो स्टोरी के स्कूल से ज्यादा मजेदार हैं. दिस स्कूल हैज नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर विद नो इमोशन. इन स्कूल में, स्टोरी के स्कूल हैं, उनमें एक जो मैकेनिकल टीचर बिना इमोशन के, मैकेनिकल टीचर के अलावा कुछ भी नहीं है. इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड. और इस मैकेनिकल टीचर में बच्चे की साइकोलॉजी, जो मानसिक क्षमता है, उसको समझने की योग्यता नहीं है. इट गाइड्स देम अकॉर्डिंग टू इट्स एडजस्टेड मूड्स. ये केवल उनको अपने जो जिस स्तर पे इसको एडजस्ट कर दिया गया है उसी के अनुसार ही उनको गाइड करता है. बट लेकिन टुडे स्कूल, आजकल के जो स्कूल्स हैं उनका काम क्या है? वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. ये बच्चे के पूरे विकास के लिए काम करते हैं. दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक दे लर्न द सेम थिंग्स. सारे बच्चे जो हैं वो एक जैसी चीजें सीखते हैं. द टीचर्स आर रियल, जो टीचर्स हैं वो वास्तविक हैं. दे लर्न हाउ टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू द न्यू सराउंडिंग्स एंड कोप विद स्ट्रेंजर. ठीक है ना? और उन्हें सिखाया जाता है क्या, या वो सीखते हैं स्टूडेंट से, वो क्या सीखते हैं? कैसे एक नए वातावरण में खुद को एडप्ट कर दें और अजनबियों से कैसे निपटें. तो ये थे हमारे टोटल 3 क्वेश्चन सेक्शन 3 के. इसके पहले की जो है वो आपको सेक्शन पार्ट बाय पार्ट पहले पोस्ट कर दिए गए हैं. अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, चाहे तो आप देख सकते हैं.